फिल्म जान है तो जहान है का निर्माण किया जा रहा है। और इस फिल्म के पीछे मंशा यह है कि लोगों को जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, उससे बचाव के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। और मैं इसकी सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी से लोग प्रेरणा लेकर के अपने बच्चों को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और जंक फूड और फास्ट फूड जैसी जो चीज़ें हैं उनसे बच्चों को दूर रखेंगे, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल बने। और बेटे पापा कर रहेगा? वो तो घर पे आराम कर रहे हैं। आराम? मुझे पता है कौन सा आराम कर रहा है। अरे उठ गए थे वो। अरे वो मैं भी आराम ही कर रहा था, उन्होंने मेरे को उठा के भेज दिया। जा तू कृष्णा के साथ दौड़ के आ। तू भी तो दौड़ेगा मेरे साथ, मैं अकेला थोड़ी दौड़ूंगा। सही बात है। चलो एक काम करो, तुम दोनों ग्राउंड का चक्कर लगा के आओ, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है तुम दोनों में से। जो फर्स्ट आएगा उसे क्या मिलेगा? इसमें भी मिलेगा, ये मिलेगा। चलो दौड़ के आओ दोनों जने। चलो बच्चों रेडी स्टडी भागो। अरे पापा गो होता है। हाँ हाँ भागो। साले कहाँ से मैं भागा भी नहीं जाता। कहाँ रहेगा? ये भाग रहे हैं, ये पैदल चल रहे हैं। सोच रहे कितनी देर लग गई। अरे भाई भागे नहीं जा रहा। अरे भाग बेटा भाग, थक गया यार। अंकल मैं फर्स्ट आया। हाँ शाबाश बेटे। पापा मैं सेकंड आया। हाँ तो क्या मतलब दो में भी थर्ड आता तू? अब चार कदम और तेज भाग लेता तू ही फर्स्ट आया था। नाक कटा दी मेरी। नाक तो जुड़ी हुई है। हाँ नाक जुड़ी हुई है। चल घर को, साले चीजें। चल भाई चल, तू भी चल। देख बेटा मैं फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट? हाँ तो तूने फर्स्ट आके क्या करा? वो तो ये था तेरे साथ, तू फर्स्ट आया, होते ना तीन तो तू भी थर्ड आता। लास्ट तेरे पापा को भी फोन करूँ मैं जरा, माथुर साहब को। हाँ माधुर साहब। अरे ये लड़का जो पाल रहे हो अपना, कैसे पाल रहे हो? पास्ता बर्गर खिला खिला के बर्गर बना दिया उसे। हालो तो भागा नहीं आता मैदान में, ना कटवाए थे हमारी। हाँ हाँ चलो भेज रहा हूँ घर पे इन बच्चों को मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भागा नहीं आता, हर समय खाने को चाहिए बाजार का। पास्ता खिला दो, बर्गर खिला दो, बर्गर खिला दो, होगा पिज्जा बर्गर जैसे। मम्मी भूख लग रही है, जल्दी कुछ नाश्ता ले आओ। ले बेटा नाश्ता पर। अरे वाह बर्गर, थैंक यू मम्मी। खा मेरे बच्चे। अरे पानी लाना है ग्लास। पानी लीजिए बेटा। तेरे लिए नाश्ते में मैगी बना दो। हाँ मम्मी बना दो। क्या हुआ, मैगी भी नहीं खाऊंगी? रख उसे नीचे रख, रख। क्या हुआ? अबे खिलाऊं तुझे चिप्स, रख उन्हें। क्या है, खाने को नहीं दे रहे, घूर क्यों जा रहे हो? खा ले और दो तीन ला दूं, बस खा खा के खुद ही बर्गर बनता जा। क्या हो गया, काय को टोक लगाए जा रहे हो मेरे बच्चे को?
बेचारा इतना कमजोर हो गया, नजर लगा लगा के कमजोर कर दिया मेरे बच्चे को। कमजोर? अपनी आंखें टेस्ट कराओ, देखो जरा ढंग से कितना कमजोर हो गया ये। अरे खा तू इन्हें, छोड़े तो बोलते रहते हैं, खा तू। अरे सुनती हो जरा बात, सुनो इधर आओ। हाँ जी, क्या हुआ? इसे हर समय तुमने ये चिप्स खिलाने हैं, बर्गर खिलाने हैं, पास्ता खिलाना है, मैगी बना दूं, मैगी बना दूं, ये कोई तरीका हुआ? घर में कुछ और नहीं बनता क्या? हाँ हाँ, तुम्हें बिगाड़ा इसे, आज ग्राउंड में ना कटवा दी इनने मेरी। शर्मा जी के लड़के से चार कदम पहले ही पीछे रही आई है, अब दो कदम आगे बढ़ जाता कुछ चला जाता। हाफ रहता बर्गर की तरह। पापा खांदे रहो, नहीं खांदे रहे? हाँ तो खा ले, मैं कैसे तेरे मुंह में हथल के निकाल लूंगा। कम खाया करी चीजें, कम खाएगा बाजार की चीजें। एक बात सुनो, यही तो उम्र है उसके खाने की, अब नहीं खाएगा तो क्या बुढ़ापे में खाएगा? अब वो सीखो मम्मी से। साले बाप को सिखा रहा मैदा खा खा के, पेट देख रहा कहाँ जा रहा है, भागा तक जाता नहीं है। तो इसने कौन से एथलीट बनना है? एथलीट नहीं बनना तो इसका मतलब कुछ भी खा जाओ कूड़ा कबाड़ा। अरे पापा टेंशन, मतलब मेरी क्लास में मुझसे ही मोटे मोटे बच्चे जो सीटों तक फंस जाते हैं। भाई हमें माफ करो, तुम भी माफ करो, मत खिलाओ इसे ये सब चीजें, क्यों इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो, किसी काम का नहीं रहेगा ये। अरे चलो छोड़ो छोड़ो, चल तू उठ बेटा, हमें सब चल चल साहब, जब देखो पापा 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 रखती है उसका मोटा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ और बाकी जो तुम कह रही हो ना, कमजोर तो रह रहा है ये, सही बात है। इसे क्या खाने को मिलेगा, ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना फाइबर है, खाली बाजार की चीजें खा खा के शरीर गिरने मार रहा है अपनी। मैं नहीं खा रहा, कभी कुछ खाने नहीं देते, हर बार बोलते रहते हैं। अरे क्या हो गया भैया, लड़के के पीछे पड़े रहते हैं 24 घंटे। चल बेटा चल, तू तू अंदर चल, मैं तुझे खिलवाती हूँ, चल पीछे पड़े। देखो ऐसा भी क्या है कि सब दीवाने हैं इसके। है तो बढ़िया आइटम। चलो एक मिनट, अर्णव, आयुष्मान, बोथ ऑफ यू स्टैंड अप। ये क्या कपड़े पहनकर आए हैं आप लोग, स्कूल है या मार्केट? कुछ भी पहन के चले आते हैं स्कूल आप? क्यों पहने हैं आज सैटरडे? सॉरी मैम। क्यों पहन कर आए ड्रेस? वॉशरूम गई थी। और आयुष्मान आपका? मैम मेरी ड्रेस गीली हो रही थी। कल से अगर आप दोनों इन कपड़ों में आए ना तो क्लास के बाहर निकाल दूंगी मैं आपको, बहुत फ्रेंडशिप हो रही है आप दोनों की एक साथ। सिट डाउन। सॉरी। Yes, class, what happened? जल्दी तो कंप्लीट करिए, रिस्क होने वाला है। हरी अप, हरी अप। Yes, all of you okay या lunch? मैं भी आऊँ चेक करने, देखती हूँ कौन कौन क्या क्या ले लेके आया है टिफिन में अपने। मतलब तुम्हें बीमारी पड़ना है क्या? बीमार पड़ के ही मानोगे? तुम्हें पता नहीं है स्कूल में जंक फूड अलाउड नहीं है आयुष्मान। मम्मी के पास टाइम नहीं है आपके लिए लंच बनाने का आयुष्मान, बताओ। आयुष ये आपका लंच के लिए जाना, ठीक है? मम्मी यार आज फिर से जंक फूड, आपको पता है स्कूल में अलाउड नहीं है और टीचर मुझे डांटती हैं, तब भी आज जंक फूड देती हो, प्लीज कुछ आज हेल्दी बना के दे दो।
बेटा आयुष देख प्लीज आज ले जा, कल मैं पक्का तुझे पराठा दूंगी। आज मैं ऑफिस के लिए वैसे भी लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी जाना है, ठीक है? प्लीज बेटा आयुष प्लीज। रहने दो मम्मी, आप रोज यही कहती हो, तब भी जंक फूड ही दे दियो। क्या बोला तूने? मैं रोज जंक फूड देती हूँ, अभी चार दिन पहले तो मैंने तुम्हें पराठा दिया था, भूल गए क्या? चार दिन पहले? दिमाग में जरा जोर डालो। हाँ बेटा चार दिन पहले, नहीं 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 सॉरी सॉरी, एक हफ्ता पहले दिया था। तो फिर ऐसा है, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, अब जल्दी से उठो, कपड़े पहनो और स्कूल जाओ, और मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, समझ में आई? मम्मी प्लीज, यार स्कूल में भी डांट पड़ती है। आयुष्मान, आयुष्मान कहाँ खो गए? आज से तुम्हारा पनिशमेंट यही है कि तुम ये जंक फूड नहीं खाओगे, और आज तुम भूखे ही रहोगे पूरे दिन क्लास में। कीप इट इनसाइड योर बैग। आयुष्मान को अपना लंच शेयर करवा दूँ? मैम मैं भी करवा दूँ? मैम मैं भी करा दूँ? मैम नहीं। देखो तुम्हारे कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम्हें लंच शेयर करा रहे हैं, कल से जंक फूड नहीं आना चाहिए तुम्हारे बैग में। इज इट क्लियर टू यू आयुष्मान? यस मैम। ये एक्सरसाइज कल पूरी हो जाए। अभी शक्तिमान ओके सर, मोबाइल यूज करना बंद कर दे भाई, हो जाएगी? यस सर हो जाएगी। थैंक यू सर। और भाई आज पिज्जा कौन खिला रहा है? भाई मुझसे तो गया मत, मेरे पास तो है नहीं पैसे। अबे नंगा ही है तू, थोड़े से पैसे आ मेरा। तुम्हारा रोज का ये ड्रामा है, कुछ ना कुछ खाना है। तुम्हें क्या दिक्कत है? अबे भाई यार तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हाँ भाई तुम्हें तेरे चक्कर में हम भी ना खाएं, वाह जी वाह। इसे को मत देना भाई स्लाइस, एक तो दे देना। चलो भाई जोमैटो कर लेते हैं ना। चलो मुझे चीज वाला खाना है। नहीं नहीं भाई, कौन कौन? अबे यार मंगा लो कुछ भी, क्या दिक्कत हो रही है, जाना तो पेट में ही है। ठीक है भाई कुछ भी मंगा ले, मैं सब चीज वाला बहुत बढ़िया था। और चीज एक और शक्का, मेरे पैसे डबल। जीत गए। ये आपके सिंगल में ले रहा हूँ। जैकलीन। We're going to do some shots.
बैठ। अबे टीवी तोड़ेगा क्या पागल? क्या ये? आज से तेरा बुरा वक्त चालू राज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। आप लोगों को पता है स्टेट लेवल रनिंग का कंपटीशन आ रहा है। आज संडे में भी आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। नो संडे नो मंडे, कोई छुट्टी नहीं होगी, जम के प्रैक्टिस होगी। ऑल राइट? यस मैम। सुनाई नहीं दिया, तेज बोलो। यस मैम। मैंने आप लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप ए विल कम बाय राइट साइड एंड ग्रुप बी विल कम बाय लेफ्ट साइड। ओके, टेक योर प्लेस। Bye.
गए। आप लोगों को यहाँ पे अपनी पोजीशन लेनी है, जो आपका 28 का एरिया मार्क्ड हुआ है वहाँ पे मार्क्ड वाले एरिया तक आपको जाना है और वापस आना है। शटल रन का एक फेज हम कंप्लीट करेंगे। टेक योर पोजीशन ऑन योर मार्क सेट गो। प्रियंका वेरी गुड, आदित्य पांडा वेरी गुड, एंड यू अदर नीड टू इम्प्रूव मोर। भाई अपना क्या होगा? अबे मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। ओ भाई मैं तो फर्स्ट आऊँगा। मैं भी आऊँगा भाई। एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, बाकी बचे हुए हम आ जाएंगे। क्या होगा? ग्रुप बी टेक ए पोजीशन। All of you, very good. Arnav, Krishna, very bad. इस तरीके से भागो तुम, इतनी लेट सबसे लास्ट में आ रहे हो, ऐसे स्कूल का नाम रोशन करोगे तुम? मैम ये बर्गर और चाउमीन बहुत खाते हैं। और मैम मैंने तो कल देखा भी था, ठेले पे खा रहे थे दोनों। अच्छा तभी ये तुम्हारे बर्गर चाउमीन दिखाई दे रहे हैं। बर्गर ज्यादा पसंद है क्या तुमको? यस मैम, बर्गर मैम बहुत अच्छा लगता है। ये खाएगा? अरे बर्गर नहीं, थप्पड़ है, खाएगा? नहीं मैम, बर्गर नहीं, आई एम सॉरी। आज से तुम दोनों का एक्स्ट्रा वर्कआउट चालू। अगर आज के बाद तुमने बर्गर चाउमीन खा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैम मौत की सजा दे दो, लेकिन बर्गर मत बंद करो। यस मैम। बताऊं तुझे अभी? मम्मा मम्मा, अरे मम्मा सुनती क्यों नहीं हो? अरे क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मम्मी यार पेट में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा रहा। किस खुशी में नहीं जाओगे? मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हारा रोज रोज का बहाना हो गया, चुपचाप उठो और स्कूल जाओ। मम्मी आपको बहाना लग रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ यार। मुझे रोज रोज के बहाने पसंद नहीं है, चुपचाप उठो और स्कूल जाओ। तुम्हारा रोज का यही हो गया है, बस उठोगे। क्या हो गया मेरे बच्चे को? उठ बेटा, देखो मेरे पेट दर्द, स्कूल जाओ। मेरे पेट दर्द हो रहा है, मम्मी कह रही स्कूल जाओ। अरे भागना, देखो ये सच बोल रहा है, समझो बेटा, बच्चे में दर्द हो रहा है पेट में। अरे पापा जी आपको पता नहीं है इसका रोज का बहाना, ये बस उठता है फोन चलाता है, इसको और कोई काम नहीं है। चल उठ, बड़ा बन रहा है दादा का पोता, उठो। अरे बेटा देखो उसकी शक्ल बता रही है, उसके सही में पेट में दर्द हो रहा है। अरे पापा जी आपको पता नहीं है ये ऐसी बहाने बनाता रहता है, इसे जाने दो। अरे यार हम बुजुर्गों को सुनते ही नहीं घर में, हम तो घर के जो बड़े बुजुर्ग है बेकार है वो तो, हम तो है, हम रिटायर क्या हो गए, हमारे तो घर से रिटायर कर दिया गया। हमारे जो तजुर्बा है वो बता रहे हैं, शक्ल बता रही है, आप देखो ढंग से उसके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा था, लेकिन जो उससे पहले था ना वो बहुत ही खराब था। मुझे ऊपर तक आ रही थी आप लोग की आवाज चिल्लाने की। What happened बेटा, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं मैम, मैम इनकी तबीयत खराब हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है। और खाओ जंक फूड, मंगाओ आयुष्मान तुम्हारे लिए बाहर से, लेस कुरकुरे टकाटक। मैम ये रो रहे हैं ये पेरेंट्स भी ना, अपना टाइम बचाने के लिए बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। बेटा वीर स्टैंड अप, कम यहाँ। यस मैम। जाओ कॉल करा कराओ आयुष्मान के घर, इसके पेरेंट्स को बोलना कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके स्टमक पेन है, जाओ। बेटा आयुष्मान डोंट वरी, घर कॉल करा रहे हैं आपके, आपके घर से कोई अभी एक आएगा आपको लेके जाएगा, ठीक है?
आप आयुष्मान के? जी मैं आयुष का दादा हूँ। और इसके मदर फादर पेरेंट्स? जी दोनों वर्किंग करते हैं और ऑफिस गए हैं, इसलिए मैं आया हूँ। तो प्रॉब्लम यही है जी, मैं समझा नहीं। देखिए टीचर ने मुझे बताया कि आए दिन ये बच्चा जंक फूड लेके आता है, फास्ट फूड लेके आता है, जैसे बर्गर है आपका, चिप्स हो गया, पास्ता है, मैगी है, सैंडविच हो गया आपका, बिना पका हुआ बिना बना हुआ, और इसकी आए दिन तबीयत ख़राब रहती है। और आज देखिए आज इसके बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है, अब कारण तो यही है। मैं प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ मैम, लेकिन इसकी मदर जो है सुबह जल्दी जाती है ऑफिस, हो सकता है इसलिए वो जल्दी में फास्ट फूड वगैरह बना देती हूँ, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और हो सकता है मदर की ये मजबूरी रही हो कि टाइम कम होता है, वो फास्ट फूड जल्दी बना कर दे देती हूँ। देखिए आपने कहा कि टाइम नहीं है, जल्दी की वजह से वो फास्ट फूड दे देती हैं, अब ये बताइए बच्चा तो आपका है, बच्चे की हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा, इसकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात बच्चे की इम्यूनिटी, बताइए कुछ तो ऑप्शन आपको ढूंढना ही पड़ेगा ना इसका। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फास्ट फूड ही करे भाई, फॉर लॉन्ग लाइफ के लिए हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन तो इसका निकालना पड़ेगा। देखिए अभी तो पेट में दर्द है, भगवान ना करे ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तब भी तो कुछ ना कुछ आप ऑप्शन निकालेंगे, कुछ कदम उठाएंगे, तो वो अब क्यों नहीं, ज़्यादा का इंतज़ार क्यों? ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इसकी मदर फादर से बात करता हूँ, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर निकालेंगे, और इसकी मदर से बात करूँगा कि थोड़ा जल्दी उठ जाए और बच्चे को इस तरह से फास्ट फूड वगैरह ना करके एक शुद्ध शाकाहारी भोजन उसको दिया करें। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि आप बात करेंगे पेरेंट्स से, और सभी जानते हैं कि जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट इन अलाउड आवर स्कूल। ये बच्चा लेके आता है तो इसको देखा देखी बाकी बच्चे भी अपने पेरेंट्स से ज़िद करते हैं कि बर्गर दे दो, चाउमीन दे दो, मैगी दे दो, और ये सब चीज़ें तो मैदा है, पेट में जम जाती हैं, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम करती हैं, और हम सभी जानते हैं कि ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज में बच्चे को एक पूरा बैलेंस डाइट चाहिए होता है जिसमें उसे प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, पूरे बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, और बेसिकली बात यहाँ बच्चे की इम्यूनिटी की है, मेंटल हेल्थ की है। इट्स वेरी गुड, आप कोशिश करिए कि बच्चे को प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स मिले, अच्छा एक हेल्दी फूड मिले और बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। आयुष्मान बच्चे यहाँ आओ। यस मैम। बेटे ये बताओ आपको कौन सी एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स अच्छा लगता है और डांस। देखिए आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, और आप जंक फूड खाओगे तो कैसे करोगे बताओ? एक प्रॉपर डाइट लेनी ज़रूरी है ना? यस मैम। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना? यस मैम। तो कोशिश ये करो कि आगे से इन चीज़ों को नहीं खाइए, मम्मा को बोलिए कि शी प्रिपेयर एट होम। ओके बेटा, अच्छा लगता है जंक फूड? ओके ठीक है, मंथ में वंस यू कैन टेक, एक बार आप ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो रोज घर का बना हुआ खाना खाओ, ठीक है? मैम बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आपने हमारे बच्चों को समझाया है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी स्कूल में हूँ या प्रिंसिपल मैम से बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे घर का माहौल है, मतलब बच्चे पर जो इम्प्रेशन पड़ा पड़ा है उससे ज़्यादा मुझे पड़ा इम्प्रेशन, तो यहाँ पर आकर जो है बच्चों को जो शिक्षा दी गई है, साथ साथ में मैं दादा हूँ लेकिन मुझे भी शिक्षा दी गई है कि जो आपने बातें बताई हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत प्रभावित हुआ बातों से आपकी, और जिस तरीके से आपने समझाया है रियली वास्तव में जितनी आपकी तारीफ करी जाए उतनी कम है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सुनता रहेगा दे, हाँ ये ले। ओके थैंक यू। चेयर्स तो कर ले। चेयर्स। मेरी फेवरेट चिल्लाया तू अभी तो दिए लाके बेटे। मगर एक बात बोलूं यार, कल रात जब हमने पार्टी करी थी सुन ले। हाँ तो कल रात जब पार्टी करी थी तो उसके बाद यार थोड़ा सीने में दर्द हो रहा था मेरे को। क्या हुआ? यही तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा तो नहीं पी ली। यार वैसे मेरे भी दांत में दर्द हो रहा था कल थोड़ा थोड़ा। तो क्या करें बता,
चलते हैं फिर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने दोनों। डॉक्टर के यहाँ यार चल कल डॉक्टर को दिखाते हैं ठीक है। अरे आपके दांतों की तो बहुत कंडीशन खराब हो रही है। क्या हुआ? आइए उधर बताता हूँ कि क्या हुआ। सर जल्दी बताइए मेरी तो हवा खराब हो रही है। आपकी एज कितनी है? 26। 26 और आपके दांतों की कंडीशन ऐसी हो गई है जैसे लगभग 40-45 साल की उम्र के लोगों की होती है। आपके जंक फूड वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा लेते हैं क्या? जी सर। जूस वगैरह कौन सा वो पैकेट वाला? जी। तभी तो आपके दांतों की कंडीशन ये हो गई है। तो सर ये कहीं गिर तो नहीं जाएंगे? अब आपको जंक फूड बंद करना पड़ेगा तब जाकर ये बंद होगा। आपके अगर इसी तरीके से आप जंक फूड वगैरह लेते रहे ना तो 4-5 साल में आपके दांत ऐसे हो जाएंगे कि वो गिरने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको नकली दांत ही लगवाने पड़ेंगे। तो सर नकली दांत लगवाने पड़ेंगे मुझे? जी बिल्कुल। सर इसकी तरह तो नहीं ऐसे? हाँ इसी तरीके से लगेंगे फिर आपके नीचे। सर मुझे करना क्या होगा फिर? मतलब मैंने तो ये सोचा था कि कोल्डिंग जो होती है वो तो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब पेट के लिए हमें जलन वलन जो होती है उससे सही करती है, उसका नाम ही कोल्ड ड्रिंक है और आप तो कह रहे हैं कि दांत मेरे ख़राब हो रहे हैं। देखिए कोल्ड ड्रिंक जो होती है ना वो आपके दांत का जो इनेमल होता है उसको डिसॉल्व करती है और उसके डिसॉल्व करने से आपका दांत वीक हो जाता है और कैविटी वगैरह लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जितने जंक फूड हैं वो दांत पे आपके स्टिक कर जाते हैं, कैविटी का सोर्स हो जाते हैं। अब प्रिजर्वेटिव जितने भी फूड्स हैं उन सब बॉडी में जाकर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं और दांत में कैल्शियम को पहुँचने नहीं देते, उस तरीके से आपके सब टीथ खराब हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताता हूँ। एक तो आपको जंक फूड्स नहीं खाने हैं ठीक है। एक मैं आपको पेस्ट लिख कर दूंगा, वो पेस्ट आप यूज़ करिए और रूटीन में चेकअप कराते रहिए 3 महीने में। देखिए अगर आपके दांत सही हैं तभी आपकी बॉडी में कुछ प्रॉपर जाएगा और तभी आपकी बॉडी चलेगी। अगर दांत ख़त्म तो समझिए आपकी लाइफ ख़त्म। सर ये दर्द जो हो रहा है, दर्द तो ठीक हो जाएगा आपका, लेकिन समय से आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं मैं करता हूँ। नमन मेरा चश्मा लाने देख रहे हैं तुमने? ये तो रखा, रख के भूल जाती हो। अच्छा भाई क्या हाल है तेरे? मेरे कैसे? पेट के, मेरा तो बहुत बुरा हाल है भाई। मेरी तो बहुत हालत ख़राब है, जब से स्कूल से आया हूँ 3 बार जा चुका हूँ, अभी भी इतना गंदा सा लग रहा है कि अभी उल्टी आ जाएगी। ओ भाई हाँ मत कर दियो, वहाँ चला जा। हाँ भाई लग रहा है यहीं हो जाएगी। भाई माफ़ कर, हाँ मत कर गंदा, वहाँ चला जा। ओ भाई मुझे लगा तो मजाक कर रहा था। अबे अब ना खाऊंगा वहाँ का कभी। तेरे कलर्स ठीक है? एक बाबा ना क्या मम्मी कह रही थी कल रात भी तूने खाना नहीं खाया? बाहर खा के आया था भाई। बाहर क्या खाया था? रोज कुछ ना कुछ नहीं। क्या चल क्या रहा बेटा? मम्मी कल रात भी गुस्सा कर रही थी बहुत, पॉकेट में नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें सिर्फ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें में उड़ा दो। कभी मोमोज, कभी चाउमीन, कभी पानी पूरी, कभी पिज़्ज़ा, कब तक चलता रहेगा ये? घर में खाना नहीं खाना मिलता तो मैं क्या जवाब दे मेरी बात का? मिलता है। आंटी नमन की तबीयत खराब हो गई, उसे उल्टी हो गई। अरे क्या हो गया, क्या कर दिया नमन? और खा ले, हम तो इस लड़के से बड़े परेशान, पूरा टाइम बाहर की चीजें खाए जाता है।
इस तरह मैं दुखी करके रख रखा है, भी करती हूँ तेरे पापा को फोन, रुक जा ना, भी करती हूँ तेरे पापा को फोन, तुमने हमें बहुत परेशान किया। यहाँ बच्चे को उल्टी हो रही है ना अपनी पड़ी है, जब पूरा टाइम बाहर का खाएगा तो फिर गलती हमारी माँ बाप की गलती हो जाती है। और लाके दो तुझे कुछ पिज्जा मंगवाऊ, बर्गर मंगवाऊ तेरे लिए, कुछ दवाई मंगवा दो ना, चटोरी गली से खाइए, कुछ क्या खा के आना है तुझे, पिज्जा बर्गर मंगवा, तेरा भी नंबर लगने वाला है, तेरा भी यही हाल होगा, दोनों का यही हाल होगा, पिज्जा बर्गर खाया करो पूरा टाइम तुम, डांटती रहोगी, दवाई भी मंगवा दोगी, डांट से ठीक करोगी आज मुझे, क्यों मुझे पिज्जा खा लो उनसे सही हो जाओगे, दवाई की क्या जरूरत है तुम्हें, मंगवा दो दवाई, किस चीज की दवाई, मत मंगवाओ दवाई, अपने आप ले लो, मुझे हां हां अपने आप ले लो, जब पिज्जा बर्गर अपने आप खा सकते हो तो दवाई भी अपने आप लेके खा सकते हो, अपने आप लेके खा लो, कोई जरूरी नहीं मैं कोई दवाई वाई भी ला के नहीं दे रही हूँ, अभी तो पापा से बताऊंगी ये पूरा खा के आए थे बाहर का, अब वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, ऊपर देख, ये हालत देखी अपनी है, हड्डी के ढांचे, नहीं क्या खा क्या रहे हो, तुम्हें बताओ तुम क्या खा रहे हो, मैदा, कच्चा मैदा, मोमोज खाते हो ना स्टीम वाले, वो ढंग से स्टीम भी नहीं होते हैं मोमोज, तुम चाहे फ्राई खा लो चाहे तुम स्टीम वाले खा लो, बर्गर हैं और चाउमीन, ये सब मैदा है, ये सब यहाँ इकट्ठा होता है, कौन सी साइंस पढ़ रहा है तू, शरीर में कुछ लगेगा नहीं लगेगा, क्यों अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, ना दिमाग का ढंग से विकास होगा ना शरीर का, ऐसी रह जाओगे पतले दुबले सीखे से, फिर दोस्त चढ़ाएंगे मुझसे मत कहना, समझाया नहीं था भैया, सब खाते हैं तो थोड़ा समय भी खा लेते, वाह सब खाते हैं, सारे के सारे कुएं में कूदेंगे, कूदेगा कूदेगा, थोड़ी सी खाई थी तुझे मैंने खाने को मना किया कभी, और मम्मी से छुप छुप के भी खिलाता हूँ कई बार, खिलाया है ना, फिर लिमिट में खाओ, मना नहीं करता हूँ खाने को, हंस रहा है बंदर रहेगा बेटा, क्यों सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, अच्छा पढ़ना है अच्छा बनना है तो सेहत जरूरी है, सेहत है ना तो सब कुछ है, वरना अच्छा चलो सॉरी अब से कम खाऊंगा, ठीक है, लेकिन खाऊंगा जरूर, आप नहीं खाता खा लेना, खाएगा जरूर, अच्छा सुनो क्या पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दवाई दे ले, मोमोस को तुम खाया ना, मम्मी को बताना, देखो मम्मी को बताना, दवाई दिला दो, थोड़ा बत्ता भी देना, तू ओ भाई भागो, फिर हो गया तेरा गया तेरा पेट, चल डॉक्टर के पास जाना है अब, अरे पहले यहाँ से जाना तो डॉक्टर पे तो बाद में जाऊंगा, और खा ले मोमोज, उल्टा सीधा खा पेट खराब कर, ठीक है, अरे मैंने थोड़ी कहा था, हाँ उल्टा सीधा फास्ट फूड खा, खाया था मोमो खाए थे, फिर पिज्जा भी खाया था उससे पहले, है ना, उल्टी सीधी चीजें खाओ, अब वो ठीक हुआ है ना, और खाओ फास्ट फूड खराब कर ले अपनी जिंदगी पूरी, नरक कर ले नलायक इन फास्ट फूडों को खा खा के, अरे मेरे को भी बीमारी में रखी हो, पहले पेट तो सही, हाँ, पेट तेरा सही होगा, और खा ले पिज्जे मंगा ले मोमो खा ले, अरे यार एक तो देखो तबीयत खराब हो रही है और लेक्चर पे लेक्चर दे रही है, कोई बात है ये, हाँ लेक्चर दे रहे हैं पैसे तो हमारे लग रहे हैं, तेरे क्या है, तो इतना बड़ा हो गया अगर तुझे है नहीं उल्टी सीधी चीजें खाना नलायक कहीं का, हाथी हो गया अगर नहीं आ रही तेरे को बिल्कुल भी, अगर तुझे घुटने में पड़ी है ना पैसे लगाए जाओ बस, तबीयत खराब करे जाओ, क्या हो गया, हो गई तबीयत खराब, तुम्हारा हर महीने का ये है कि बस
बाहर का खाएंगे जंक फूड और तबीयत खराब हो जाएगी, है ना? अरे मम्मी यार दिखाओ, पेट दर्द हो रहा है यार। तो हो गई। अरे पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे बाहर का तो तबीयत तो होगी खराब। तुम्हारे लक्षण देख के ऐसा लग रहा है कि किसी दिन तुम लंबे बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल में। हर महीने का ये है कि तुम तबीयत खराब कर लेते हो, पता नहीं क्या भविष्य बनेगा तुम्हारा ऐसे। अरे यार इसमें भविष्य कहाँ से आ गया पेट दर्द में? क्यों भविष्य की बात है, और जब तुम हर समय बीमार पड़ते रहोगे तो क्या क्या पढ़ोगे, क्या लिखोगे, क्या एक्टिविटी करोगे तुम? कभी कुछ खाते रहते हो, कभी कुछ खाते रहते हो, इतना परेशान करके रख दिया है तुमने। अरे मम्मी यार अरे मम्मी जाओ थोड़ी देर के लिए। पता नहीं इतना परेशान करके रखते हो, कहना भी नहीं मानते हो कभी। इतनी बार मना कर रखा है, मैं तो जाऊंगी नहीं तुम्हारे पापा लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, मैं नहीं जाऊंगी। और फैज बेटा तबीयत कैसी है? ठीक है। दर्द है? नहीं दर्द नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। अभी देख रहे हैं। आह हाँ, चाउमीन भूल रहे हैं बेटा ये? ये मोमो की आवाज है। डॉक्टर साहब का नीचे देखिए, बर्गर भी बोलेगा अभी। अच्छा आये, ये बोला बर्गर। पापा मुझे दर्द हो रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है? बेटा मजाक तो तुमने बना रखा अपनी जिंदगी का, ये पेट में उल्टी सीधी चीजें खा खा के। डॉक्टर साहब इन्हें समझाइए कुछ। इनको समझाना पड़ेगा, समझाता हूँ। ले बेटा देख जरा इसे। ये क्या है? ये सच्ची है? और क्या, ये फास्ट फूड का नतीजा है, ऐसे ही ऑपरेशन करा जाता है फिर। ठीक है, हो गया। देख लिया? अब नहीं खाऊंगा। अबे तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, 8 दिन बाद फिर शुरू हो जाओगे। ये तो मेरे दोस्त हैं जो बचा लिया तुम्हें, वरना किसी हॉस्पिटल में पड़े होते, लाखों रुपए और मेरे खर्च होते और हर हाथ पांव में सुई लगी होती तुम्हारे। समझते ही नहीं है माँ बाप के। गुस्सा मत करो, अब बात करते हैं। अरे क्या गुस्सा डॉक्टर साहब, समझते नहीं है आजकल के बच्चे। चलो बात करते हैं। देखो अरे भाई, लड़का तो तुम्हारा गया बच, ठीक है, पेप्टिक अल्सर की शुरुआत हो गई थी। जानते हो पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं? आंतों में जख्म हो जाते हैं, ठीक है, फिर उसमें खून रिसता है, फिर वो ट्यूमर बन जाता है। अबे यार, और इस तरह धीरे धीरे बच्चे का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, आए दिन पेट में दर्द, ना पढ़ाई में मन लगेगा ना घर पे मन लगेगा। इसलिए बहुत एहतियात बरतो, फास्ट फूड से बचा के रखो, जंक फूड से। अरे यार परेशान मत हो, बस थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो एहतियात भी डॉक्टर साहब मैं कैसे बरतूँ, इतने बड़े बच्चे के पीछे पीछे थोड़ी लगा जाएगा। अब ये तो खुद समझदार है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देखो आरिफ भाई, कम से कम 2 महीने का परहेज कराना है इसको, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। खाने में इसको मूँग की दाल की खिचड़ी, नारियल पानी और मिर्च, मिर्च से तो बहुत दूर रहे। मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, चटपटा बिल्कुल बंद। अगर इसकी जान बचानी है और आगे कोई इसको परेशानी ना हो तो इतना तो तुमको 2 महीने करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए छुट्टी लो, कुछ भी करो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं तो समझ गया, इसे कैसे समझाऊं? अब इसके साथ साथ थोड़े भागा फिरूंगा मैं, या इसे किसी खूंटे से थोड़े बांध दूंगा? इसे आप अपनी भाषा में समझाइए। ठीक है अरिफ भाई, इसको तो मैं
इसकी ही भाषा में समझाऊंगा। हाँ तो फैज बेटा, आराम है? और याद रखना, तुमको परहेज करना है। क्या क्या खाना है बताऊं? मोमोज, चाउमीन, बर्गर खाओगे ना बेटा? आरिफ भाई, ये सब ला के देना इनको खाने। ठीक ठीक, बिल्कुल लाऊंगा। अपने आप को संभाल लो, फास्ट फूड और जंक फूड बिल्कुल मत खाना, वरना बिल्कुल बेकार हो जाओगे, कदम कदम चलने को मोहताज हो जाओगे, समझे? और पापा का कहना पूरा मानना। अच्छा आरिफ भाई, ऐसा है, मुझे तो जाना है, मैं निकलता हूँ, तुम बैठो, बोतल निकल पूरी हो जाएगी ना तब, तो इसको लेकर घर चले जाना। ठीक है डॉक्टर साहब, बाकी घर घर पे आके मिलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया नहीं, नहीं, नहीं शुक्रिया। ठीक ठीक है बेटे, सुधर जा। अल्लाह का कितना बड़ा कर्म हुआ है ये, जो तुझे डॉक्टर साहब ने बचा लिया। ये जितनी भी नुकसान देने वाली चीज़ें हैं ये मत खाओ, बहुत ख़तरनाक बीमारी बताई है डॉक्टर साहब ने, जान पे भी आ जाएगी। भाई मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है। हैं? कितना? समझ ले बॉर्डर लाइन है, 240। होना कितना चाहिए? 150 के आसपास होना चाहिए। अब मेरी सुन। सुना? मेरे तो सारे दांत बेकार हो चुके हैं। दांत कैसे खराब हो गए सारे? कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाला जूस, ये सब हम खाते हैं पीते हैं, कैविटीज़ हो गई है मेरे दांतों में। डॉक्टर ने बोला अगर 2-4 साल ऐसी रहा तो दांत गिरने शुरू हो जाएंगे मेरे। अगर हमें सही सलामत रहना है तो जल्द से जल्द छोड़ना होगा ये अपना जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। हाँ भाई, तो ठीक है। मगर एक बात बता, कि मूवी देखते समय हम लोग क्या खाएंगे पियेंगे? भाई डॉक्टर ने कहा बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं और भी चीज़ें। सही कह रहा है यार, इन्हीं पे आना पड़ेगा। चल आज एक प्रॉमिस करते हैं कि आज से अच्छी डाइट करेंगे। गंदी चीज़ छोड़ते हैं भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने पैसे वेस्ट करते हैं किसी अच्छी चीज़ में। और जान है तो जहान है, पक्का प्रॉमिस। अर्नब, कृष्णा, आई होप तुम लोगों ने जंक फूड अब कम कर दिया होगा। मैम हमने छोड़ दिया बिल्कुल ही। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू मैम। देखा बेटा, आज 10 डेज हो चुके हैं, आप लोगों के वर्कआउट में कितना चेंज आया है, इसलिए बोला जंक फूड नहीं खाना। जंक फूड छोड़ दोगे तो बॉडी फिट रहेगी, अगर आपको खाना भी है तो मंथ में एक बार खा सकते हैं।
पापा एक बात बताओ, आप विश्वास नहीं करोगे। क्या हुआ? आज मेरे स्कूल में रजिस्ट्री में सेकंड आया। अरे हाँ हाँ, झूठ नहीं बोला? अरे नहीं। अरे मेरा बेटा, अब देखो आपके कहने से है ना, बर्गर वगैरह भी कम कर दिया खाना। शाबाश बेटे शाबाश, अब तो गुस्सा नहीं हो ना? नहीं नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटे, शाबाश, ऐसी मेहनत करते रहो बेटे, कीप इट अप।